You all are welcome in our YouTube channel RC Divan Direction from Void to Creation. Friends, आज का टॉपिक है एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो जो नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं उनको अगर मॉडिफाई करने के लिए अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, ऐसे जो अलग से हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे उनको बोलेंगे एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन बाय एडिंग समथिंग. ओके, नाउ आई एक्सप्लेन दिस थिंग विथ एग्जाम्पल्स. और इस वीडियो में फ्रेंड्स हम एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं उसके टाइप्स ही देखने वाले हैं, और टाइप्स का जो डेफिनेशन होगा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट टाइप देखने वाले हैं. फ्रेंड्स जो फर्स्ट है उसमें यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हो, मानसी का पिक्चर है. यहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि मानसी इज अ गर्ल. ओके, यहाँ पर नाउन है मानसी, इसको हम मॉडिफाई करते हैं. कैसे करेंगे? मानसी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब मानसी को हमने ब्यूटीफुल कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया वर्ड से. वैसे दिखने में है ही, लेकिन वर्ड का इस्तेमाल किया है हमने ब्यूटीफुल का. मीन्स यहाँ पर जो सेंटेंस है वो मॉडिफाई हुआ ब्यूटीफुल वर्ड से. ये ब्यूटीफुल जो है वो गर्ल्स की क्वालिटी दिखा रहा है, यहाँ पर हमने क्वालिटी का इस्तेमाल किया है. तो फर्स्ट जो एडजेक्टिव टाइप है, टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, वो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. यहाँ पर हमने क्वालिटी चेंज कर दी गर्ल की, ब्यूटीफुल गर्ल. सेकेंड एग्जाम्पल देख, देर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास 3, मतलब मेरे क्लास में अभी 40 स्टूडेंट्स है. स्टूडेंट्स तो है ही, लेकिन कितने स्टूडेंट्स है? 40 मीन्स हम यहाँ पर नंबर दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं. तो ये जो है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी एक तरह का एडजेक्टिव टाइप है, इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर. मतलब नंबर को हमने कन्वर्ट किया किसी भी सेंटेंस में, एक या दो से ज्यादा भी एडजेक्टिव हो सकते हैं. यहाँ पर फिर से समझ लीजिएगा, देर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास 3, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा. अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है, यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो, जैसे सेंटेंस बनाया, गिव मी सम वाटर. ओके, यहाँ पर हम वाटर मतलब मांग रहे हैं, लेकिन सम वाटर मतलब कुछ क्वांटिटी. ठीक है, तो ये जो दिखा रहा है वो हमें क्वांटिटी दिखा रहा है, गिव मी सम वाटर. तो जो सम वाटर है वो क्वांटिटी दिखा रहा है, मीन्स हाउ मच. किसी चीज को अगर हम हाउ मच से कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि कितना वाटर, तो सम वाटर, तो ये जो है वो हम कंपेयर कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी को. तो ये जो एडजेक्टिव हो जाएगा वो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, नेक्स्ट जो है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मतलब आपको नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन अगर हम नाउन को ही क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब इंटेरोगेट कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा? जैसे कि व्हाट इज योर नेम, हम नाम ही पूछ रहे हैं, नाउन को ही पूछ रहे हैं कि व्हाट इज योर नेम. तो ये जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, आस्क क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पर हम इस टाइप को बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेशन, मतलब जो इंटेरोगेशन के लिए काम आता है, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू, तो ये जो WH क्वेश्चन होते हैं वो सारे हम एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेशन में ले सकते हैं. नेक्स्ट जो है, यहाँ पर एक खिलौना है कार का, आप इसको, जैसे कि कोई बच्चा है तो वो बोलेगा कि दैट इज माई कार. ओके, तो वो इस कार को पोजिशन में ले रहा है, मतलब खुद की दिखा रहा है, वो वहां पर हक दिखा रहा है, ये मेरी कार है. ठीक है, तो अगर खुद की या बिलोंगिंग और पोजिशन अगर हम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वहां पर एडजेक्टिव हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ पोजिशन. ठीक है, दैट इज माई कार, शो द बिलोंगिंग ऑफ पोजिशन ऑफ द कार. ओके, एडजेक्टिव ऑफ पोजिशन. आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा.